away. Does this belong to you? No, sorry. Thank you. No problem at all. Good night. शिवरेश बोल रहा हूँ. देखो अगर मुस्तफा वहां पर है तो तुम रॉन्ग नंबर से फोन रख सकते हो. इट्स द राइट नंबर. वो नहीं है यहाँ पे. वैसे आज पता नहीं क्या हुआ ऑफिस में. आपने कैसे ना कहा. हालांकि अंकल ने उसको आज प्रमोशन भी नहीं है. उसने तुम्हें बताया नहीं. सुनो अगर तुम्हारा अभी लोड नहीं बात करनी ना तो मैं दोबारा फोन करूंगा. नहीं इट्स ओके. उसे शायद ऑफिस से पता चल गया कि उस दिन तुम्हारी जगह पे मेरे अलावा कोई नहीं था. तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी है. Oh my God, वो तुम पे शक कर रहा है. This is not good. This is not good at all. मैं अंकल से बात करता हूँ. नहीं तुम किसी से बात नहीं करना. I'll manage. शक की डिजीज को मैनेजमेंट किया जाता है. उसका इलाज किया जाता है. शक का कोई इलाज नहीं होता. क्या कहा है मुझे बताओ. मैं उससे बात करता हूँ. बात करने का कोई फायदा नहीं है शिमदेश. मैं बात कर लूं पहले फिर देखते हैं या नहीं. मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया. क्या मतलब. वो घर ढूंढने गया. बहुत अपसेट था. क्या तुम दोनों में सेपरेशन हो रही है. पता नहीं अगर उसे घर मिल गया तो शायद हो जाए. तुम क्या चाहती हो. I don't know, शिमदेश. मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. अच्छा देखो तुम रो मत. मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ. रिलैक्स. हाँ अभी दस मिनट. गेम ओवर. दिल की सदा न दिल ने सुनी बढ़ती रही दीवानगी थी. दरमियां कुछ दूरियां जाने. मेरा दिमाग खराब हो जाता. मुझे यहां से चले जाना चाहिए. मैं उस जैसे आदमी के साथ एक मिनट नहीं गुजारा कर सकती. चाहे जाके करे अपनी डिनेश से शादी. मेरी सारी जिंदगी उसके साथ. मुझे कोई परवाह नहीं. आई हेट हिम. कुछ प्यार का पागलपन भी था. मैं उसकी वजह से घर छोड़ दूँ. कभी कुछ प्यार का पागलपन भी था. Still unlock? वैसे अगर तुम चाहो तो हम इसे ढूंढ सकते हैं जाके. कहाँ ढूंढेंगे इस वक्त हम. वो पहले भी कभी इस तरह घर छोड़ के गया है. वो घर छोड़ के नहीं गया है. घर ढूंढने गया है. Will you stop defending him? I'm not defending him, but it's my fault. It's not his fault. My God, Denise, listen to yourself. क्या हो गया तुम्हें. मैं कुछ भी कर लूं उससे अच्छा नहीं लगता. तो ये उसकी गलती है तुम्हारी नहीं. उसकी प्रॉब्लम नहीं है मेरी प्रॉब्लम है. मुझे उसे उसे बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे डिनर पर अकेली थी. लेकिन नहीं पता नहीं मुझे क्या हो गया था. देखो तुमने उसको इसलिए नहीं बताया बिकॉज तुम्हें पता था कि वो गलत समझ जाएगा. नहीं मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्योंकि मुझे पता था उससे अच्छा नहीं लगेगा. Did you tell him this? When? कब बताऊं मैं उसे ये. जब वो गुस्से में होता है तो वो किसी की नहीं सुनता. जब आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर एक दूसरे से झूठी बोलना चाहता है. सच नहीं. इसलिए डोंट ब्लेम योरसेल्फ. इट्स नॉट योर फॉल्ट. आई हैव नो वन एल्स बट माय सेल्फ टू ब्लेम.
उसे थप्पड़ मारा है। क्या? I slapped him. Very good. Serves him right. I mean, बहुत पहले तो मैं कर देना चाहिए। और स्लैप करने के बाद बजाय ये कि मैं अपोलोजाइज करती, मैंने उसे कहा घर छोड़ दो। Brilliant. और वो चला गया। Very odd. कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका फेयर चल रहा है? फेयर कहां से आ गया बीच में? I mean, वो इस तरह घर छोड़ के जो चला गया है, इसके भरोसे पे गया है? वो घर ढूंढने गया है शमदेस। इस वक्त Denise, it's 9 o'clock. इस वक्त कौन किसी को घर दिखाता है? I'm telling you, कोई और मसला है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ये बातें क्यों कर रहे हो। I'm merely telling you the possibilities. जी कोई possibility नहीं हो सकती। मैंने कुछ देखा है तो मैं कह रहा हूं। क्या? अभी नहीं, एविडेंस ले लूं फिर तुम्हें बताऊंगा। एनीवे, बाय। शमरेश सुनो, तुम जाती हो मुस्तफा कहां पर है इस वक्त? अच्छा, मैं समझ गया, कोई उल्टा सीधा जवाब ना देना प्लीज। तुम्हें पता है इस वक्त क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि अगर हम मुस्तफा को ढूंढ ले तो हम Denise और मुस्तफा का ब्रेकअप कर सकते हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि अगर हमें पता चल गया मुस्तफा कहां पर है तो हम Denise को लाकर दिखाकर ये प्रूव कर सकते हैं कि तुम्हारा और मुस्तफा का फेयर चल रहा है। कैसा लगा? अच्छा आइडिया ना। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाके ना चेंज कराओ, हाँ कुछ अच्छा सा पहनना, और कोशिश करो याद करने की कि मुश्तबा कहां पर होगा। मुश्तबा कहां होगा? कहां होगा इस वक्त? हाँ याद आ गया। रियली? कहां पर? मुझे नहीं पता। कम ऑन यार, तुम्हें पता होना चाहिए कहां पर है, तुम्हारा दोस्त है आखिर। अच्छा मैं समझ गया। देखो किरण, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग्स क्या है सर। ठीक है, हो जाता है जब कभी इस तरह, लेकिन इस वक्त हमारी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी, हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। आई एम सॉरी, यू गोना हैव टू पुट योर फीलिंग्स असाइड फॉर नाउ। क्या? हाँ मैं जानता हूं तुम कभी नहीं मानोगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो। इसमें ना मानने वाली क्या बात है? ये बात मैं भी तुमसे करना चाह रही थी शमीश, के मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। तुम नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मुश्तबा से नहीं तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, तुम मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। शमीज तुम प्लीज मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। प्लीज शमीज। जी मिस्टर, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते मुझे चुक देने। पता है कौन सी कॉफी शॉप में होगा वो? मुझे क्या पता? Are you crazy? आसपास कोई 100,000 कॉफी शॉप होंगी। Oh God, it's an exaggeration. Excuse me, मैंने पहले एग्जैजरेट कर दिया है? तुमने एग्जैजरेट नहीं किया, तुमने तो खुशफहमी की हदों को पार कर दिया। तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, तुम्हारे साथ उस मुश्तबा का भी, उस मुज्जू मुश्तबा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा नाम जरूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। अच्छा क्या कह रहे हो मुश्तबा और मेरे बारे में, मुझे समझ नहीं आई। उससे भी तुम्हारी तरह मेरी वजह से खुशफहमियां होगी, तो
तुम लोगों को लगता है कि मेरी शक्ल खराब है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम लोगों को पसंद करूँ? अश्वर, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना, तो तुम लोगों का अपना दिमाग खराब है, मेरा नहीं। कोई लड़की बात करते करते चुप हो जाए तो तुम लोगों को लगता है वो नर्वस हो गई। अगर नजरें झुका ले तो तुम लोगों को लगता है कि वो शर्मा गई। और गलती से अगर वो मुस्कुरा दे तो तुम लोगों को लगता है वो तुम लोगों की जेब में आ गई। पता नहीं खुद को क्या समझते हो। वैसे तुमको मेरे बारे में कुछ फील नहीं करती ना, तो फिर मुझसे शर्म क्यों आती है तुम्हें? ना मैं तुमसे शर्माई, ना नर्वस हुई और ना ही मैं मुस्कुराई। तुम्हें समझ में आई? फिर लड़की रही हो, तुम्हें पता ना मैंने तुम्हारा क्या नाम रखा? छोटा बदमाश। जाओ वहां जाकर देख आओ है कि नहीं यहाँ पर। है कि नहीं? नहीं। चले छोटा बदमाश, चलो आगे देखते हैं। कहीं नजर आया? कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ढूंढते रहते हैं और वो घर पहुंच जाए। मैं दिलीप को फोन करके पता चलता हूँ ना। हेलो दिनेश, मुश्तबा आया है? नहीं आया यार अभी तक। I'm so worried now, Shambhez. पता है अपनी जैकेट भी नहीं लेके गए। अरे कहाँ पर होगा, यहीं कहीं होगा। I just hope कि वो अकेला हो। यार ये तुमने नई स्टोरी क्या शुरू कर दी है? ये कोई नई स्टोरी नहीं है, मुझे पहले उस पर बहुत शक है। You know what? I really wish कि ये सारी बातें बनाने के बजाय तुम इस वक्त उसे ढूंढ रहे होते। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। Really? हाँ really। दिनेश, वो मुझे मिल गया, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या? Okay bye।